बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साहब जी, अति सुंदर फोटोज वीडियोज उनका दर्शन करते हैं। बहुत मेहनत की है सुंदर साहब जी ने, मुझे पता है थोड़ी थकान हो गई होगी आपको। हाँ जी आइए चलते हैं। देखिए कौन कौन सी सखियां हैं, पहचानते भी जाइएगा। अति सुंदर पिक्चर्स क्लिक करने की सेवा, और कल कौशिका बेन से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब वो भी वीडियो बनाने की सेवा करने लगी हैं सुंदर साथ जी। और सखियों को भी तैयार किया जा रहा है जो वीडियोस बनाएं, फोटोज क्लिक करें। सारी प्यारी प्यारी सखियों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर ये प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे, धनी जी की मेहर से। देखिए तो सही जरा, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी। आपके चरणों में इतनी मेहनत करने के लिए, ये सेवा में आनंद लेने के लिए और देने के लिए खूब खूब प्रणाम जी। ये देखिए हमारी खोजी भाई आ गई हैं। अति सुंदर अति प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे। कौशिका बेन बहुत प्यारा बता रही थी, मैंने उनको कहा इतनी सुंदर सेवा सूरत की, ये जो सुरताएं कर रही हैं। उन्होंने कहा दीदी जीवों के स्वभाव भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये हो पा रही है, ये जो आपस में बैलेंस है। इवन की यही बता रहे थे, मुझे पता नहीं था सविता बेन आने वाले हैं इस फोटो में। तो कहते हैं जो बड़े हैं, जो एज में बड़े हैं, उनसे भी यदि बोलने में कुछ होता है, हम उनको कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते। वो बिल्कुल प्रेम से उसको रिपीट करके, ठीक करके रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, किस प्रकार इस सेवा को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जीव भी उनके बहुत सुंदर अभिनय कर रहे हैं सुंदर साथ जी। नहीं तो सेवा में तो कितनी चीजें हुआ करती हैं, पर किसी सुंदर साथ के मन में कभी कुछ नहीं ऐसा होता। सारे मिलजुल कर इतना प्रेम बांटते हैं, इतना प्रेम बांटते हैं। हम सुंदर साथ भी उनसे सीखें सुंदर साथ जी, अति सुंदर। कौन कहता है कि ये जेठानी और देवरानी है सुंदर साथ जी, कौन कह सकता है इनको देख के, इतना प्रेम राज्य उड़ेल रहे हैं इनके ऊपर। आइए अब धीरे धीरे एक एक करके वीडियो देखते हैं, अति आनंदमयी। मैं तो एक बार तो देख के मेरा कुछ बनता ही नहीं है, आप जरूर बाद में भी वीडियो जरूर देखिएगा सुंदर साहब जी। मैंने कम से कम एक एक वीडियो को 10 या 15 बार देखा, तब जाके थोड़ी हल्की तृप्ति हुई है। तो बार बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाँ जी सभी वीडियोस को आइए शेयर करते हैं धीरे धीरे, बस थोड़ा थोड़ा समय देते जाइए। सीरियल ऑर्डर में बिल्कुल बना रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं, नहीं वो सबसे एंड में देखेंगे कि जब रिकॉर्डिंग जब ये नई शूट कर रहे होते तो कौन सी बातें ये करते हैं, उसको बोलते हैं बीटीएस, है ना। वो बोलते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चलता है, बीटीएस ब्लूपर्स जो होते हैं वो एक देखेंगे। ऐसे और भी भेजिएगा कौशिका बेन बना के, आइए चलते। सूरत की सुरताएं इकट्ठी हो चुकी हैं। मैं दिखाने में स्लो हूं, ये बनाने में भी फास्ट है सुंदर साहब जी, और सेवा करने में तो अति फास्ट है। हां जी के लिए आई है, और यहाँ सब सखियाँ अलग अलग घर बनाकर इसमें रह रही है, उसका अलग परिवार है, और इस सब में हमारी ब्रह्म श्रुतियाँ
की सुरताएं इस सब सखिया के अंदर बैठी है और हम सब इस नाशवंत संसार का खेल देख रहे हैं। सब ची ले लो सब ची को भी टमाटर। गांजी भाई बाहर कोई सब्जी वाली आई है उसको अंदर बुला कर लाओ। जी स्वामी जी बुला कर लाता हूँ। सुंदर साथ जी इनके अभिनय में और इनके हाव भाव में इतनी ज्यादा वो आ चुकी है ना परिपक्वता। कल मैं रात को बैठ के इनका सीरियल ऑर्डर सेट कर रही थी और अंगना आई मेरे पास और उसने बोला मम्मी कौन सा सीरियल देख रहे हो, बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला ये हमारे खुद जूम के सुंदर साथ हैं, ये कोई सीरियल नहीं है। एंड शी गेव अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। उसने बोला मुझे एक्चुअल सीरियल देखने में इतना आनंद नहीं आया था जितना ये देखने में आज मुझे आया। उसने सारे कल बैठ के मेरे साथ देखे। तो सुंदर साथ जी इट्स वो कभी ऐसे प्रशंसा करती नहीं है। आशीष की कॉपी है वो पूरी और बिल्कुल वैसी नजर से देखती है वो कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसा बेटर हो सकता है, इसमें ये। कल उसने बोला हैट्स ऑफ टू दी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी परिपक्वता आपके अभिनय में आ चुकी है सुंदर साथ जी, और सुंदर होता जाएगा। आप देखिएगा धनी जी ने क्या क्या सोचा हुआ है, बहुत सुंदर। क्योंकि प्रेम ऐसी चाबी है ना सुंदर साथ जी, वो सारे हृदय छू लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा। आ गई है सब्जी वाली, अब देखिए। खेल देख के वापस परमधाम जाना है। स्वामी जी मैंने इस दुनिया में बहुत दुख देखे हैं, मुझे मेरे निस्वरूप की पहचान कराए। अब ये दुख नहीं देखना, मुझे मेरी आत्मा जागृत करना है स्वामी। अब इनके शरण में आ गई हो, अब आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। मन और आत्मा की जागृति का संदेश दिया, प्रणाम बोलो सतगुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी जी जय। तो देखा किस प्रकार पंखा झलते से लेकर साथ में पाग भी कैसी बनाई, सब्जियां भी वो इकट्ठी की और बिल्कुल फ्रेश जैसी कभी खोजी भाई लाई होंगी। कैसी ये सेवा हृदय में सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं कि कोई भी पड़ी हुई है घर में और अभिनय करना, ना ना ना, फ्रेश सब्जियां लाके कैसी पाग का स्टाइल बनाना है, कैसे पंखे जलने हैं खड़े होके। और बड़े सुंदर साथ जो यहाँ पर उनकी आयु बड़ी है, वैसे तो वो किशोर स्वरूप है अंदर से, किसी बात का कोई हृदय में वो नहीं लेना कि छोटे हमें समझा रहे हैं। वाह सुंदर साथ जी, ये प्रेम है, ये प्रेम दिखाई देता है ना जो इन सुरताओं में, ये बहुत सुंदर है। आइए अगला वीडियो देखते हैं।
ऐसा लगता है कि वीक में एक दिन इसी को डिवोट करना पड़ेगा सुंदर सार जी, अब संडे यही किया करेंगे, बहुत मेहनत की है क्योंकि सुंदर सार ने। अगले संडे तक यदि वीडियोस आते हैं ना, तो पूरा संडे इसी में डिवोट किया जाएगा, हाफ एन आवर कर दिया जाएगा बाकी को, पर ये सेवा बहुत प्यारी है सुंदर सार। आइए चलते। सुंदर सा जी, इसमें आवाज आ रही है ना? मुझे नहीं आ रही शायद। हाँ जी आ जाएगी, कोई बात। तो 11 वर्ष क्या फोड़ते थे, और गोपिया जब दधि मंथन करती थी तो वहां जाकर मक्खन भी चुराते थे। देखो ये वहां जाकर मक्खन भी चुराते थे। देखो ये ब्रजलीला। इसमें देखा ना गोपिया कृष्ण जी कैसे लीला करते थे, तो यही लीला करके हम 11 साल स्वामी माँ निजानंद स्वामी की चर्चा में मुझे इतना आनंद आ गया कि वहाँ उसने स्वामी जी ने कृष्ण अखंड कृष्ण लीला का दर्शन कराया। साक्षात कृष्ण भगवान वहाँ पे मटकी फोड़ रहे थे ग्वाल बालों के साथ, और मक्खन खा रहे थे, और उनकी लीला में मैं इतना खो गई कि मुझे समय का भान ही नहीं रहा। स्वामी सच, इसका मतलब अजबाई कह रही थी वो सत्य था। हाँ स्वामी वो सत्य था, स्वामी वो सत्य था। तो कल मैं भी आऊंगा और निजानंद स्वामी की कल चर्चा सुनूंगा। जी स्वामी। हाँ जी, ये मैं भी वही सोच रही थी। आइडिया देखिए, ब्रज लीला दिखानी है तो टीवी में वो लगा दिया, ब्यूटीफुल आइडिया। ये किन्होंने दिया था मीनाक्षी, हमारी इंफॉर्मेशन की प्यारी पोटली की ये जो सेवा है, ये मीनाक्षी बताएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, वो आइडिया मेरा ही था। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर आइडिया कि कैसे ब्रज लीला दिखाई जाए, अति सुंदर और अति प्यारी, बहुत प्यारी। और अनिल भाई के घर में भी अच्छा, हम अनिल भाई के यहाँ भी बहुत सारे सुंदर साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम, सभी वीडियो का आनंद ले रहे हैं। प्रणाम जी, अनिल भाई आपके चरणों में प्रणाम। अभी मिलेंगे, पहले वीडियो देखते हैं फिर आपकी तरफ आऊंगी। जी आप बहुत सुंदर, अगला वीडियो सुंदर साथ जी, अभी 2-3 तो है और बड़ा आनंद आने वाला है। जी
इतना इंतजार भी नहीं होता सुंदर साहब जी, अब तो लगता है फटाफट लग जाए, ये देर क्यों हो रही है, इतना प्यारा बनाया हुआ है सुंदर साहब जी ने। कैसा चरणों में लोट पोट हो जाया जाए इन सुंदर। और 52 दिन के बाद हम अखंड योग माया के ब्रह्मांड में गए और वहाँ हम कृष्ण जी के साथ गोपिकाओं के साथ अखंड योग रास की लीलाएं की और वहाँ गोपिकाओं के साथ कृष्ण जी एक एक कण धारण करके और रास रमण किया था, ये रास लीला। अब देखना रासलीला का आइडिया, देखना कैसे दिखाई है, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर सुंदर साहब जी। अभी चलते हैं, ऐसे लग रहा है हम उन पलों को जी रहे हैं सामने बैठ के, जैसे सच में चितवन सामने खुली आंखों से चितवन होती है ना, वो की जा रही है सुंदर साहब जी यहाँ पे। धनी जी की कितनी मेहर रूपी ये सूरत की सखियां हमारे जीवन में आई है, आप भी धनी के मेहर के सागर की लहरें हो सुंदर साहब जी। ये रास हो रही है सुंदर साहब जी, अति आनंद लीजिएगा। मेरे मन के श्री श्याम जी कया कैया मारे साथ की दो रास में कितना आनंद आया था सुंदर साहब जी, जब श्यामा जी ने भी श्रृंगार किया, साथ ने भी राजी ने श्रृंगार सज के खड़े थे, कितना आनंद आया। और कैसे इन सुंदर साहब जी ने हमें बताया, अब एक सुंदर साहब जी बिहाइंड द सीन का फ्यू सेकंड्स का वीडियो देखते हैं, बड़ा आनंद आएगा। जिनको गुजराती अच्छे से समझ में आती है उनको और आनंद आएगा। बस एक फ्यू सेकंड्स का है, आप बताइएगा कि इसमें क्या बोल रहे हैं, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा उनका वो सुन के भी ना। ये रसीला बेन जो चुप चुप सी रहती है ना, सुनिएगा क्या बोल रही है। और हमें बताइएगा भी क्या बोला था रसीला बेन ने, ठीक है। ये है बिहाइंड द सीन ब्लूपर्स, ये और चाहिए सुंदर साहब जी।
चुपके से खींच लिया करें और हमें भेज दिया करें, ठीक है? मतलब ये मीडिया उतरे पण आ खाली तो मुझे ना हां जाके रखो तो आ ना लेके ने बधा ने आम जोवा। हां जी, क्या बोल रहे थे सुंदर साहब जी? कौन से वीडियो उतरे और कौन आमना मांग रहे हैं, ऐसा कुछ बोले हमारी इन्फो पोर्टली सेवा। हां जी मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जब कृष्ण लीला दिखानी थी ना तब वीडियो उतारना था, उसके पहले कि हम सब बैठे, कोई सखी तैयार हो रही थी तो उसके पहले सब बैठ के चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे, प्रफुल्ला दीदी कह रहे जब मैं चर्चा करती हूँ, जब मैं ब्रज लीला का दौला बताऊ ना तब आप लोग, मैं जब आंगड़ी उंगलिया इस तरफ चिंत आप टीवी की ओर देखना, एटले कृष्ण लीला दिखाएगी। अरे वाह, देखो इंस्ट्रक्शंस में भी कितना आनंद आता होगा, पीछे जो बिहाइंड द सीन होता होगा, अब ऐसे करना, अब ऐसे करना, अब सखी कोई तैयार हो रही है, कोई ऐसे, ये तो रास में ही था, अभी पढ़ा था सुंदर साहब जी, या परम धाम की लीलाओं में होता है, एक सखी दूसरे का श्रृंगार कर रही होती है, कोई सखी सज रही है, कोई अपनी सब्जियां का वो करने गई है, जिसको खोजी बाई का अभिनय करना है वो सब्जियों का प्रबंध करने गई है, फिर वो व्हाइट कलर का चेंज करके जब वो रास की रामते खेलने आती है तो वो भी कलरफुल में आ जाती है। कितनी सुंदर ये लीला यहीं पे राज जी दिखा रहे हैं, बहुत। और ये वीडियो कौशिका जी ले लेती है, हम सबको मालूम भी नहीं होता तब कौशिका वो वीडियो ले लेती है। तो ये हमारी डिमांड है कौशिका जी, ये थोड़े और चाहिए और थोड़ा लंबा चाहिए, एक मिनट का तो हो, कि क्या क्या आप पीछे भी बातें कर रहे हो ना, हमें वो भी, हम वहां नहीं है सुंदर साहब जी, आप समझ सकते हो ना, हमें वो भी चाहिए, आपके वो पल भी चाहिए। बहुत सुंदर, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। जब भी समय मिले बनाते रहिए, ये भिगोने वाले हैं सुंदर साहब जी, हृदय को भिगोने वाले वीडियोस हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सोने दीदी, प्रणाम जी सोने दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। आज का वाणी गायन अर्जी गायन दोनों सुंदर साथ के चरणों प्रेम, प्रणाम जी हमेशा की तरह बहुत सुंदर, उनके बहुत सुंदर भाव, और हमारी बीतक साहब जो अपने मध्यम गति से चल रही हैं लेकिन रस देती हुई चल रही हैं, क्योंकि अब श्रावण मास तो है नहीं लेकिन उसके बाद भी वैसा ही अनुभव हो रहा है, और जो हफ्सा में वाणी उतरी उसके बाद श्री जी का जैसे जैसे, और बिहारी जी से अब संवाद चल रहा है और भी रस आने वाला है, बहुत सुंदर। और सागर ग्रंथ तो मुझे नहीं पता था इतना रस, मैंने मुझे नहीं मिला था, मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं था, मैंने स्वामी जी की वो टीका नहीं पढ़ी कि जो नूर जो सागर है, जो जो राजी के चेहरे की कांति है, जो नूर है उसके अंदर जो द्रव बह रहा है वो नीर सागर है, वो उससे पृथक भी नहीं है और पृथक भी करके दिखा दिया। ये कारीगरी ये तो अपने प्रियतम ही कर सकते हैं, किस तरह से समझा रहे हैं, इतना गहन है, एक सागर से दूसरा सागर जुड़ा हुआ है, ये सारे रहस्य अब खुलने वाले हैं, सारा रस और धीरे धीरे हमें मिल रहा है। राजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्या कहूं, किन शब्दों में कहूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है प्रशंसा करने के लिए, और राजी की कोई प्रशंसा कर भी नहीं सकता, वो किस तन को किस वजूद को कब पकड़े, कितना रस दें, ये उनकी मौज है, और उनकी मौज अब लुटाई जा रही है। हम सब एक चौपाई आई थी ना पीछे कोई सी, अब हमें ये लूट करनी, बहुत सुंदर चौपाई थी, तो सुंदर साहब जी अब हमें ये लूट करनी है और लूट कर रहे हैं। बहुत बहुत आनंद आ रहा है सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अब मैं सूरत की श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूं, सूरत की श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि आपका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गया, ये वीडियो बनाने में जब से आपने सोचा और जो पहला कदम रखा आपका एक एक क्षण सार्थक है। ये राज्य के अनुकरण लीला है, ये किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ना स्वयं को रिझाने के लिए, ना सुंदर साहब को रिझाने के लिए, ये राज्य को रिझाने के लिए है। अगर सुंदर साहब प्रसन्न हो रहे तो राज्य वहां प्रसन्न हुए तब सुंदर साहब प्रसन्न हो रहे, तो आपका एक एक क्षण सार्थक है, एक एक क्षण सार्थक है। और एक बात और कहना चाहूंगा, शांता बहन सामने बैठे हैं, क्यों जब इतना गंभीर विषय चलता है चर्चा का, जैसे सागर का, बीतक का, और श्री जी
अष्टपहर की लीला में पन्ना जी में इतनी गंभीर चर्चा किया करते थे, सब डूब जाते थे उस रस में। लेकिन लाल भाई, अब मैं उस पर याद आया, माफी चाहूंगा, एक मिनट ले लूंगा सोनिया दीदी। और शांता जैन जी कह रहे थे कि पता नहीं और आगे क्या बताएंगे, तो मेरे मन में छोटा सा एक क्षणी का आ गई थी ध्यान में सरसावा की, मैं उसको बताना चाह रहा हूं। तो उस गंभीर चर्चा के बाद में श्री जी का रास्ता रोक के लालबाई खड़ी हो जाती थी, दोनों हाथ फैला के रास्ता रोक देती थी और उनको हंसा के छोड़ती थी। श्री जी हंसते थे, उनके सिर पे टपली मारते थे। मेरा कहने का तात्पर्य, इतने गंभीर माहौल में कोई ये भी सेवा करता था श्री जी को मुस्कुराने की, हंसाने की। एक मंच पे मैंने स्वामी जी को गंभीर देखा है, मुस्कुराते देखा है, हंसते नहीं देखा। अब की बार सरसावे में एक ऐसा मौका मिला कि स्वामी जी मंच पे बैठे थे, हंस पड़े, सब सुंदर साथ हंसे। तो वो क्षण आ गया, मैं बताता हूं कि डॉक्टर प्रवीण बत्रा जी नहीं थे और अशोक जी नहीं थे, तीसरे कोई मंच संचालक हमारे सुंदर साथ जी थे, उनको संचालन करना था थोड़े समय के लिए। और जब राज्य की चर्चा होती है ना, तो पहले राज्य का पूजन होता है, तो पूजन होने में प्रबुद्ध सुंदर साथ का नाम लिया जाता है। तो उन्होंने पहले लिया कि श्याम भाई जी, श्याम सुंदर अरोड़ा जी, और आपके दूसरे सुंदर साथ का नाम लिया वो सुंदर साथ जी, और तीसरे नेपाल से लक्ष्मीकांत शर्मा जी, वो आगे आ जाए राज्य का पूजन करें। चर्चा से पहले वो सुंदर साथ आगे आ गए पूजन करने लगे, तो जो हमारे वो सखी थी संचालन करता, उन्होंने बोला अब राज्य का पूजन कर रहे हैं श्याम जी और विजेंद्र जी नेपाल से, वहां से अमुक स्थान से, और नेपाल से कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। तो ये उद्घोषणा होते ही तो सुंदर साथ के चेहरे पे हंसी आ गई और स्वामी जी हंस रहे थे और देख के इतना आनंद आया। तो मैं कह रहा था ये राज्य कैसी क्षणिकाएं बना देते हैं, कभी गंभीर कभी विनोदपूर्ण। तो ये एक क्षणिका थी मैंने बताया, और एक दो मिनट समय ज्यादा लिया, माफी चाहूंगा। आनंद बहुत आ रहा है, रस बहुत आ रहा है, और सूरत की सभी श्रोताओं के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और ऐसे एक दो मिनट तो प्लीज लिया करें, और ऐसे अनुभव जो हम वहां नहीं थे ना, जैसे सूरत में हम नहीं है ना, तो वो क्षण हमें मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो हम उस टाइम पे नहीं थे, जो आपने आनंद ये बता कर दिया ना, वो आनंद का कोई पारावार नहीं। तो ऐसे तो एक दो मिनट क्या, जितने मर्जी लिया करें, बिल्कुल ना कहा करें कि ज्यादा ले लिया, ऐसे ज्यादा तो रोज लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, सागर के बारे में ना कुछ और ही सोचा हुआ था, क्योंकि कहा ना बुद्धि जीव की ग्राहे बुद्धि, बेचारा क्या करे, सोचता रहता है फिर भी कुछ ना कुछ। तो सोचा था आज ये करेंगे, कल सूरत की सुरताओं की ओर से चुनरियां मिली, और ऐसा पता लगा कि प्रफुल्ला बेन स्वामी जी के पास जाके इन चुनरियों पे हाथ लगवा के, उन पे नजर डलवा के, उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने ये भेजी। उनमें भी क्या आशीर्वाद था, बातूनी जो उनकी हो रही है हो ही रही है, पर जाहिरी भी उसमें क्या आशीर्वाद था कि सागर की धारा ही मुड़ गई। सुंदर साहब जी, कल ऐसा कोई प्रसंग मिला, मुझे पता ही नहीं था परिक्रमा में ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने और क्या किया हुआ है, ऐसा लगा जैसे स्वयं स्वामी जी विराजमान हो गए हो मेरे सिर पे, मेरे शिर शीश कमल पे आके, जैसे धनी हृदय में है शीश कमल पे भी आशीर्वाद बन के जैसे बैठ गए हो ना, ऐसा महसूस हुआ। मैं कभी आपका देना नहीं दे सकती सुंदर साहब जी, इतना प्यारा ये जो उपहार आपने भेजा, और एक नहीं है बहुत सारी है, इतने सारे आशीर्वाद, और स्पेशली उनकी नजर डलवा के अक्षरातीत की कहूंगी, यहाँ कोई नहीं रोकेगा, वहां जाऊंगी तो वो सुन लेंगे। धनी जी, राजी, सतगुरु तो रोक भी देंगे, ये वाली होपफुली वो नहीं सुन रहे होंगे, और मुझे पता लगा है अभी तो शायद नहीं है कि इसके काफी एपिसोड स्वामी जी देखा करते हैं सुंदर साहब जी। तो हम सबको जो जो सुंदर साहब बोलते हैं ना, ये ना समझिएगा कि स्वामी जी तक पहुंच रही है, धनी तक पहुंच रही है कि नहीं, इसके बहुत सारे एपिसोड्स वो देखते हैं। तो इसलिए खुलकर बोला करें, जो बात पहुंचानी हो ना जरूर बोला कीजिए।
प्रणाम जी। तो ऐसी बहुत सारी बातें पता लगती रहती हैं सुंदर साथ के थ्रू। चांद कमल आंटी प्रणाम जी, और फिर प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो बोलने के लिए इतना कुछ है, जब से ये ओपन हुआ मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा। आपका एपिसोड रुक रुक के फिर लिख देती हूँ, फिर लिख देती हूँ, फिर लिख देती हूँ। सबसे पहला प्रणाम तो मेरे स्वामी जी के चरणों में। एक और उनके लिए वीडियो बनाऊंगी, अब तो अपने आप को रोका ही नहीं जा रहा। कल उनकी मैंने किताब पूरी की, एक किताब पढ़ी जो मैं वहां से लेके आई थी। सच्ची में सोनिया मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे तो इतना रोना आया। हम किसी की हीरे की, हीरा भी बहुत छोटा शब्द है, हम उनकी कदर ही नहीं कर रहे। अरे वो क्या चीज है, इतना अद्भुत ज्ञान, इतना अनोखा ज्ञान एक मनुष्य में तो हो ही नहीं सकता। असंभव असंभव असंभव, ऐसा ज्ञान का भंडार है उनके अंदर। और इश्क, इश्क तो हम देख के आए ना, कैसे प्रेम की डोर में उन्होंने बांधा पूरे सरसावा के प्रोग्राम को। सुंदर साथ जी, अगर अभी भी कोई, मैं तो अगर मेरा ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचता हो ना, तो सब लोग उनकी जानो वो क्या है। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम उनके समय में हैं, वो हमारे सामने है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं आज ही उनके लिए एक वीडियो और बनाऊंगी। पहला प्रणाम तो मेरा उन्हीं के चरणों में, राज्य के चरणों, उनके चरणों में, राज्य के चरणों में। अब मेरे को पक्का यकीन, क्या मतलब मैं क्या कहूं कि वही हैं, उन्हीं के अंदर ही लीला कर रहे हैं राज्य हमारे। अगर अब हम ना पहचाने ना, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। सुंदर साथ जी, एक और प्रणाम, पहले जो जिन्होंने मेरा बहुत प्यारा सा भजन गाया, कीर्तन गाया, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। और सोनिया, जो आपने आज जिस उसको खोला ना, नूर कुंजी इसाफ, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं अर्थ भी पढ़ती थी, स्वामी जी का मैंने अर्थ नहीं पढ़ा, अर्थ पढ़ती थी पर ऐसे ऊपर से निकल जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। शायद ये वाली चौपाई ना वृत्ति में, ज्वारदास महाराज जी की वृत्ति में भी शायद है ये चौपाई, वहीं से शायद शुरुआत है इसकी। मुझे कभी समझ में नहीं आया, आज जब समझ में आया तो दिल ऐसे रोने को हुआ ना, तार तार रोने को करा मन। राजी इतना लाड, आप इतना लाड हम सखियों के लिए रखते हो, और क्या क्या भंडार है आपके दिल में, अद्भुत अद्भुत। और सूरत की गोपियों को तो मैं फोन करूंगी, कोशिका बहन को तो ऐसे दिल से लगाने का मन करता है। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 5 घंटे के लिए सिरसावा गई, राज्य जैसे सुखपाल में बिठा के ले गए, अचानक से ही प्रोग्राम बन गया, बिल्कुल पता ही नहीं था, अचानक से वहां से उठी और वहां पहुंच गई। लेकिन मेरी प्रफुल्ला बहन, मेरी गोपियां चली गई थी वहां से, मुझे नहीं मिली, इस बात का मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, मेरा बहुत सारा प्यार, एक एक सखी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और सोनिया मेरी प्यारी बिटिया को तो ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। तुम्हारे अंदर जो राजी बैठे हैं, जो वर्णन करवा रहे हैं, तुम नहीं बोल रही हो वही बोल रहे हैं, लेकिन मेरी इस रूह को भी, इसको भी मेरा बहुत सारा प्यार। सुंदर साथ जी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम यहाँ जुड़ पा रहे हैं। मेरी कहाँ से यात्रा शुरू हुई, कहाँ पहुंचा दिया तुमने सोनिया, तुम्हारे क्या बोलूं मैं, प्रणाम बोलूंगी तुमको, और कुछ नहीं कह सकती। प्रणाम जी बेटा। चांद कमल आंटी, मैं तो इतनी वो हूँ, ये जीव देखो ना, इतनी बार ना मैंने काफी सुंदर साथ के मुख से चर्चनी के दौरान ही सुना था ये सागर इस रंग का होता है, ठहरता ही नहीं था अंदर, रुकता ही नहीं था, चला जाता था, याद ही नहीं रहता था कि कौन सा सागर कौन सा, क्योंकि शायद इतने ध्यान से कभी सुनवाया नहीं राजी ने, मेरे में कौन सी कमी रही कि सुंदर साथ बता रहे हैं मेरे अंदर क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं। पर ऐसे बांध लेते हैं ना, जब वो बांध ये करते करते पता नहीं कौन सी चौपाई निकली, आई डोंट इवन रिमेम्बर, मुझे पता ही नहीं है। सुंदर साथ जी, मुझसे अज्ञानी शायद कोई भी नहीं होगा, आप सारे ही ऊपर हो, मैं ये जानती हूँ अंदर से। कहाँ वो कहते हैं गांठ गांठ बोलती रहती है ना, ये देख एक प्रेम की हुक्म की गांठ तो मैंने बांधी है, एक प्रेम की गांठ भी मैंने बांधी, कहीं
उसको बिल्कुल नहीं खोलना है। ये जो प्रेम का बंधन मैंने बांध के भेजा है, मुझे इतना सुंदर लगा कि कहां हम वो गांठे गिन रहे हैं, राजजी कब खोलोगे कब, और ये जो बंधी हुई जो खोलनी नहीं, इसको टाइट कब करोगे राजजी, और टाइट कब करोगे। इतनी प्यारी वाणी है ना हमारी, क्या बातें उन्होंने लिख दी हैं, वाह राजजी। और स्वामी जी ने जो खोल खोल के बता दिए हैं, और अब पता नहीं कैसे वही है सुंदर साहब जी, ये वही है, कहीं भुलेखे में ना रह जाना, कहीं ये ना सोच लेना कि मैं कुछ बोल सकती हूँ या बोल पा रही हूँ, आई एम नथिंग। ये वही है, ये जब से हाथ उसने रखा है ना, ये खुद बोल रहा है, मुझे पक्का पता है 100%। आप कभी साइड में मुझसे मिलो ना, इसके अलावा मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल पाता है। तो ये वही है जो बोल रहा है, ये 100% श्योर है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। और डीपी सिंह जी आपके पास भी 2 मिनट्स के लिए जरूर आएंगे। प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। बहुत कुछ बोल दिया हमारे दुष्यंत भाई जी ने और चांद बहन जी ने, फिर भी 2 शब्द तो मैं बोलूंगा ही। मेरा मन जो है भाव विभोर हो रहा सुन सुन करके। एक तो प्रफुल्ला बहन जी ने जो वाणी गाया वाणी गायन किया है, उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रतिभा जी के द्वारा और सुनैना और ऐना उनके बच्चे के द्वारा जो वाणी गायन किया गया है वो भी बहुत सुंदर था, जाको नामी रत्ना, तो उनके भी श्री चरणों प्रेम प्रणाम। और सोनिया जी जीना जी के द्वारा जो अर्जी गायन हुआ है उनको बहुत मीठा, वो हमारे जो है ग्रुप की मेंबर है और राशि, उनके चरणों में भी प्रेम प्रणाम। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सोनिया जी आपके द्वारा जो ये चर्चा हुई है बड़ी ही अनुपम, अद्वितीय, अति मधुर, अति मीठी, अति सुंदर अभी तक चर्चा जो आपने हमको दी है, दिल शुरू से लेकर के आखिर तक भाव विभोर रहा है। और जो अभी बहन जी ने कहा कि पहले हम उनकी, मैं भी खुद स्वामी जी की चर्चा नहीं सुनता, तो मैं ये जब घर वाले कहते थे कि चर्चा उनकी लगा दो ना, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी है कि मेरे को आवाज ही नहीं आती, मैंने कहा क्या लगा दू। और अब सच्चाई मैं अब बता रहा हूँ कि ऊपर से ही ऐसा हुक्म हुआ है कि अब जो है कुछ भी नहीं भा रहा है, कुछ भी सुनने को उनके अलावा कुछ भी। अब एक आपने एक पुस्तक लिखवाई थी, वो मैंने मंगा ली और मैंने वो शुरू कर रखी है, तो मैं कल शाम को ये कर रहा था कि इस दिन रात को पूरी रात बैठ के पढ़ूंगा। इतना गजब का, चाहे वेदों का ज्ञान हो, चाहे तत्व पक्ष का ज्ञान हो, चाहे 18 पुराणों का हो, 108 उपनिषदों का हो, मतलब संसार के ऋषि मुनियों जो, और बाद में हमारे जैनियों, सभी धर्मों के बारे में, अपने में ही नहीं सभी धर्मों का, ये इंसान नहीं कर सकता इतना ऐसा अद्भुत ज्ञान उन्होंने उसमें संजो रखा है। तो मैं ये सोच रहा था, मैं किसी दिन, मुझे तो अब रात को पूरा बैठ कर गई इसको, मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए तो मैं तो मेरी ये दशा हो चुकी है। और आज जो आपने आज जो ये वर्णन किया है महर सागर का, तो वास्तव में बहुत अति उत्तम, क्योंकि नूर सागर में आपने बताया कि ये उनकी संपूर्ण नूरी शोभा का सागर जो उनके मुखारविंद का है, और इसी से ही हम जो सारे ये तारतम जो है, तारतम सागर है, ये भी इसी नूर सागर से है, और वेद कतेब के जो गृहतम बातें हैं वो भी इसी सागर से खुली। ये थोड़ा आज हमने पहली बार पता पड़ा, ये सुगंधी का सागर भी है, ज्योति का सागर भी है, और सौंदर्य का सागर भी है। और बस बाकी तो जो इसे कितना वर्णन करेंगे सब थोड़ा है। और हमारे दुष्यंत भाई जी ने कहा ना कि वहां तिलक हो रहा था, तिलक कर रहे थे, तो उसमें हमारे आशीष भैया जी भी थे उस वक्त उस वक्त जब ये स्वामी जी हंसे थे और वो पूजन का समय चल रहा था, तो जो उन्होंने पूरा नाम ले दिया था उनको प्यारे लाल जी करके नाम तो उनका कुछ छोटा ही है, उन्होंने पूरा नाम जो हीरो हैं उनका नाम दे दिया तो उससे स्वामी जी की भी छुट पड़ी थी। तो मैं आप सभी के चरणों में फिर दोबारा से नतमस्तक होता हूँ और कोट ऑन कोट प्रेम प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही हमें ये रस हमें प्रदान करते हैं, प्रेम प्रणाम।
प्रणाम जी, प्रणाम जी, श्रीनिवास अंकल आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये चौपाई बड़े जब मेहर सागर शुरू हुआ था ना, तब ये चौपाई मिली थी, कुछ नहीं समझ आई थी, ऊपर से निकल गई थी श्रीनिवास अंकल, अंदर पूरा अर्थ पड़ा, भावार्थ पड़ा, पर वो जो अंदर और धनी जी के अंदर स्वामी जी के हृदय में जो चला होगा ना, वो नहीं समझ में आया था। शायद उन्होंने एक एक पल, शायद नहीं, लिखा ही होता है लोमो फूज पे लिखा होता है कि मेहर सागर के बाद ही ये समझ में आएगा, उसके पहले तो कर ले लाख यतन, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो जब उनकी मेहर रूपी चुनरी आएगी ना, तभी ये होगा। उस और मुझे ये चौपाई मिल नहीं रही, चौपाई याद रहती नहीं है, अर्थ ढूंढ नहीं सकते हैं, और मैं कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि किसी दिन सामने आई थी, और कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं जब से मेहर सागर शुरू हुआ है ना, ढूंढते हुए कि कौन से ग्रंथ की वो चौपाई थी, अब कहाँ गई पता ही नहीं लगा, और जैसे ही कल खोला वो सामने आ गई। कैसे आ गई ये धनी जानते हैं सुंदर साहब, उनकी लीला है ये। प्रवीण भाई आपके पास भी आना है, आपने हैंड रेस किया था। डीपी सिंह जी प्रणाम जी, देवेंद्र भैया प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुनने जी, प्रणाम सुंदर साहब जी, सभी के चरणों में प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी ठीक? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया आ रही है। वर्णन तो बहुत ही सुंदर हो रहा है, सभी सुंदर साथ इतना अच्छा, सूरत के सुंदर साथ इतनी अच्छी वीडियो बना रहे, देख के जो है बिल्कुल तृप्त हो जाता है मन। और ये जो सागर का वर्णन हुआ है, पिछली बार चर्चे नहीं, मैं 2-3 बार इसको अलग अलग उससे सुना मैंने, सबने अलग अलग उससे उसका बताया, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं आता था। लेकिन इस बार जो वर्णन हो रहा है स्वामी जी के, उससे इतना डिटेल खोल दी, और फिर आपके मुख से बहुत ही मतलब जो है इतना गहराई में उतर रहे हैं, ऐसा क्लियर होता जा रहा है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह से। और एक जो स्वामी जी के प्रेम की जो बात हो रही है, सरसावे में मैं गया था, उसका एक मुझे थोड़ा सा एपिसोड जो है बताऊंगा। वहां जो बाथरूम है उनके पास 2-3 सांप मिलते रहते हैं, सारे सुंदर साथ में वो हो गया कि साहब सांप काट लेंगे, सांप काट लेंगे। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, आप उसको छेड़े ना बिल्कुल भी, कुछ नहीं कहेंगे, देखो उनकी मतलब अंधेरा हो पूछो, मतलब वो भी वहां के पशु पक्षी भी ये समझेगा, वो भी इतना प्रेम करते हैं कि वो निकलते हैं, उनको मुझे कह रहे हैं मुझे पता है कि यहाँ रहते हैं वो, लेकिन उनको कुछ नहीं कहेंगे, देखो प्रेम की जो है लीला स्वामी जी के हर उसमें जो है। तो ये बहुत बड़ी बात है, स्वामी जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई भैया, जब स्वामी जी साधना में पन्ना जी में चोपड़ा मंदिर के पीछे जो मंदिर है वहां पे हुआ करते थे, छोटा सा कमरा है, इस बार स्वामी जी हम लोग को लेके गए साथ में, उन्होंने वो स्थान दिखाया था कि मैं यहाँ बैठकर वो किया करता था, बाय चांस वो साथ में सारे मंदिरों में लेकर गए थे, तो उन्होंने बताया मैं यहाँ बैठता था और एक सांप यहाँ लटका ही रहता था, परमानेंट वही लटका रहता था। तो स्वामी जी अपनी साधना करते थे, वो अपनी साधना किया करता था उनके दर्शन करके, मुझे ऐसा लगता है। और वहां पर एक दिन सुंदर साथ जी पूरे गांव में पन्ना जी में वहां पे खबर फैल गई थी कि यहाँ पर चीते, वहां पर चीतों का है तो सफारी है, वहां पे पूरी लोग देखने जाते हैं, चीतों की सफारी है वहां पे, वहां एक चीता देखा गया था। और स्वामी जी ने बताया कि जब वो साधना कर रहे थे तो करते करते जैसे ही उनकी आंख हल्की सी खुली, पूरी नहीं खोलते थे, तो हल्की सी आंख खुली, उनको लगा कि कोई गाय भैंस बकरी कोई सामने से निकली है, उनको पता ही नहीं कि वो चीता था। और सुंदर बाद में पता लगा कि वो उस जगह से भी चीता निकल के गया उनके सामने से, उनको कुछ नहीं किया उसने, देखो कैसे उनकी मुंदी हुई आंखों में से ही वो क्या दर्शन करके चला गया, क्या देख कर चला गया, ये तो राजी जानते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो वो किसी को बताने नहीं देते हैं, मुझे पड़ेगी डांट इसके लिए, बट आई एम रेडी फॉर दैट, मुझे पड़े डांट, ऐसी वाली डांट रोज पड़े। मैं उनको बोलती हूँ अब फोन करके कि आप मुझे खूब डांटा करो, अब ये बातें अब छुपी नहीं रहनी चाहिए, ये बातें सब सुंदर साथ को पता लगनी चाहिए, बहुत हो गया। आप हम सबके गुणगान गा सकते हैं, सारे सतगुरु रूप में जो जो आए सबके गा सकते हैं, स्वामी जी के नहीं गा सकते, ऐसा क्यों, हमें उनके भी गुणगान गाने हैं। मैंने उनको बोला आप कहते हो ना चर्चा में सत्य बता के रहूंगा, चाहे गालियां दो, चाहे जूते मारो, चाहे डंडे मारो, तो मैंने उनको चैलेंज किया कि मैं भी बता के रहूंगी, चाहे आप जो भी करो, अब ये तो होगा ही होगा। तो स्वामी जी का भी सुंदर साहब जी खुल के बोलना है, किसी से कोई डर नहीं है। प्रणाम जी, हाँ जी
प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी जी। मैं भी सरसा में फर्स्ट टाइम गया हुआ, तो काफी साहित्य लिया इसमें मैंने। प्रेम का चांद जो परमहंस श्री राम रतन जी दास जी की बुक है, तो मैंने जब मंगलवार को मेरी छुट्टी थी तो सुबह में मैंने पढ़ने बैठे, तो जो स्वामी जी के द्वारा वो इतना अच्छी तरह से लिखा हुआ है जो राम रतन दास जी के जीवन के बारे में, और क्या कठिनाई क्या कितना, इतना सुबह से शाम तक मैंने 232 पाना था वो पढ़ लिया, मगर इतना इतना गहन लगा कि कितना कष्ट आ रहा है, कितना कुछ हो रहा है, मगर परमहंस तो तभी बना जाता है जब, और परमहंस से सीख भी उसमें से ही मिलती है कि जो इतना अच्छा वर्णन किया हुआ है कि क्या उसकी कोई बात ही नहीं कर सकते, इतना कष्ट, इतना सहनशीलता, इतना प्रेम, और क्या क्या कितनी मुसीबतें है, कितना पूरा भारत घुमा हुआ है। तो वो पढ़ के तो इतना लगा कि, और जहाँ वो हम तो दर्शन करने भी गए थे शेरपुर में और रतनपुरी में, तो शेरपुर में राम रतन जी दास जी के जो आश्रम थे उसमें दर्शन भी किया, वहाँ खाना भी भोजन प्रसादी भी लिया, बहुत अच्छा लगा। तो ये बुक भी अच्छी है पढ़ने जैसे, मेरे को फर्स्ट टाइम पढ़ा और एक ही दिन में मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि सुबह से बैठा तब तक शाम तक मैंने वो इसके सिवा कुछ सोचा ही नहीं, बस वही पढ़ता रहा वही पढ़ता, और शाम तक वो पूरी हुई तब जाके मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि अभी कुछ मैंने इसमें से पढ़ा और कुछ सीखा और कुछ लगा कुछ कि क्या परमहंस है वो, तो बस वही। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे परमहंस महाराज जी के जीवन में से तो कभी ना निकले हम, रोज इतनी सुंदर लिखी हुई, जैसे आपने कहा ना, मैंने भी वो पढ़नी शुरू की थी और जब तक वो नहीं हो लास्ट पन्ना जब तक आ नहीं गया था ना, दिल उसी में अटका हुआ था। जिसने नहीं पढ़ी हो ना सुंदर साहब जी प्रेम का चांद तो जरूर पढ़ लीजिएगा, और ऐसा लगता है जैसे स्वामी जी देख देख के लिख रहे हो कि उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है, इस प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ है उनके जीवन को। और हमारे महाराज जी ने इतनी कसनी की पराकाष्ठा करके दिखाई है ना, आज यदि देखा जाए ना कि थोड़े ही साल पहले की बात है ये, अभी इतनी पराकाष्ठा करके दिखाई है, और उनके जीवन में क्या क्या हुआ है ना, राजी करेंगे बहुत जल्दी हम सब सुंदर साथ मिलकर करेंगे, वो सुनेंगे। प्रणाम जी, प्रवीण भाई प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, रसीला जी, प्रतिभा जी, प्रणाम जी, और इनके बाद सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी, आज की चर्चा तो बहुत अद्भुत थी, और सागर तो इतना समझ में आया कि कभी नहीं आया था। और दीदी नौतनपुरी गई है कांता बेन, तो नौतनपुरी का दर्शन कराना चाहते। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, नौतनपुरी, अरे वाह, एक ही दिन में महामंगलपुरी भी और नौतनपुरी भी, क्या बात है। कांता बेन, एक मिनट। हाँ जी, कांता बेन प्रणाम जी, थैंक यू रसीला बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कांता बेन आप दर्शन करवाइए जी। हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट भी किया था, आप कर सकते हैं। और ये देख, हेलो दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत सुंदर आ रही है और बहुत सुंदर श्रृंगार दिख रहा है राज जी का। हाँ जी, प्रणाम जी, हम सब की ओर से जुगल जोड़ी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, थैंक यू, आपने दर्शन करवाए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, अरे वाह, देखिए कहाँ कहाँ जाके सुंदर साथ जी दर्शन करवा रहे हैं, और हमारे पास हरीश भाई भी आ चुके हैं, उनसे भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी हरीश भाई, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये ऐसे सुंदर साथ हैं जो मूक सेवा करते हैं और बोलते भी कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, पर सेवा में झोंक देते हैं स्वयं को। मैं रोज सुबह उठ के देखती हूँ काम से आकर किस प्रकार डेकोरेशन करके चौपाइयों की, हम तो देखते हैं बस सुंदर साथ जी पीछे कितने सुंदर साथ की पूरा कारखाना काम करता है पूरा दिन इस सेवा के लिए, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, प्रतिभा जी प्रणाम जी, और इसके बाद सुंदर साथ जी जयकारा लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना समय बदल गया है,
यहाँ पर विदेशों में एक घंटा आगे कर दिया जाता है गर्मियां शुरू होते ही, तो पहले यहाँ पे 1:15 बजता था, अब 2:15 बजने लग गया इसी समय पे, तो इसके बाद जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, सब सुंदर साहब जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जो वाणी गायन जुगल जोड़ी के द्वारा की गई बहुत प्यारी प्यारी अति सुंदर, और जो अर्जी गायन में वो भी बहुत सुंदर, और सूरत की श्रोताओं के द्वारा जो वीडियो प्यारी प्यारी वीडियो दिखाई गई बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी, और उन श्रोताओं के चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी। और ये जो नौतनपुरी का जो अभी युगल स्वरूप के दर्शन कराए राजी, कहाँ कहाँ के हमें दर्शन करवा रहे हैं घर बैठे, बहुत बहुत प्रणाम उनके चरणों में भी कोटान को प्रणाम जी। और श्रीमुख बीतक साहब की चर्चा में जिसमें स्वामी जी की कसौटी के द्वारा किस प्रकार से वाणी उतर रही, किस प्रकार से वाणी हमें मिली है, और क्या क्या राजी उसमें हमें सिखापन दे रहे हैं, बहुत अति सुंदर। और त्रिधा लीला का वर्णन जो उस समय हफ्से में रास की लीला हुई है उसके विषय उसके बारे में भी कि किस तरह से रास ग्रंथ उतरा, कला प्रकाश गुजराती प्रकाश गुजराती उतरी, ये सारी वाणी जो है सिखापन देती हुई। और मेहर के सागर के द्वारा जिसका तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता, जिसमें एक सागर से दूसरे सागर में, दूसरे सागर से तीसरे सागर में, यानी राजी के हृदय का पूर्ण आठों सागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी हम सभी सखियां राजी श्यामा जी सब हम एकत्व वाहेदत्त की लीला में हैं। ये बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा भाव बहुत ही जो है प्यारा जो है वर्णन जो है हृदय को छू गया, बहुत ही सुंदर अति सुंदर आपके श्रीमुख से राजी द्वारा कहलवाई ये वाणी जो मेहर के सार की वाणी हो रही है, उसका जो है आनंद और जो उसका रस मिल रहा है वो तो वर्णन में ही नहीं आ सकता है। सोनिया दीदी जी और सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा। और आज तो जो है ना दिल्ली में शायद स्वामी जी की गोष्ठी में उनकी चर्चा भी है आज शाम को, एक पढ़ा था मैंने शाम को 4:30 के आसपास, तो वो उन्होंने बताया था ऑनलाइन भी आएंगे शायद, है ना? हाँ हाँ ऑनलाइन भी आएंगे। अरे वाह, एनपीआर के जो जा सकते हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा जाने की। अरे वाह, तो सुंदर साहब जी जो जो पास में है दिल्ली गाजियाबाद जो जो जा सकते हैं वो जरूर वहां पर पहुंचे, और जो नहीं जा सकते वो दूर से भी आनंद जरूर लीजिए। एक चर्चा का एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। हाँ जी दीक्षा दीदी प्रणाम जी, और फिर तनेजा अंकल के पास चलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में, सुंदर साहब के चरणों में। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छा लगा सब कुछ, और चांद कमल आंटी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं चैट में लिखना नहीं आता मुझको, इसलिए मैंने हैंड रेज करा। हाँ जी थैंक यू प्रणाम जी, हम सब सुंदर साथ की ओर से चांद कमल आंटी अपना जीवन सार्थक करते हुए उनको जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं। और सुंदर साथ जी सब्जी वाली तो सब्जी ले आई पर मैंने अभी बनाई नहीं है, तो इसलिए जल्दी से जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी जी, तनेजा अंकल प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो दर्शन करने के लिए सुंदर साहब के सुन तो मैं रहा हूँ जूम पर, लेकिन सबसे प्रणाम करने के लिए मैंने वीडियो ऑन किया। मैं स्कूल में हूँ आज, 2 अक्टूबर कल है महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस पर सफाई अभियान चलेगा, तो आज स्कूल में शिक्षक सब सड़कों पर और जगह जगह पर सफाई करेंगे। और आज चांद बहन जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत उनको जन्मदिन की मुबारक। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और हर पल राजी का अनुभव करते रहें, और ऐसे ही सुंदर साहब को आशीर्वाद देती रहें। बहुत बहुत चांद बहन जी के करनों में प्रणाम। और कांता बहन जामनगर आई हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि शाम को उनके दर्शन कर पाए तो और भी आनंद आएगा सबको, सुंदर साहब को। और बहुत ही अच्छा, मैं
सुंदर साहब के जो भाव हैं एकदम शत प्रतिशत मेरे भी दिल में वही भाव आते हैं। शब्द अब कम पढ़ने लगे और ये मेहर सागर का जो भावार्थ शब्दार्थ और अंदर जो गया जिस सुंदर साहब के दिल में, तो फिर ये बीतक कथा ये जूम अपने आप में जूम होकर सफल हो गई और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें, मेरी यही शुभकामना। और सोनिया जी आप तो बस स्वस्थ रहें और आपका जीवन ऐसे ही राज्य के चरणों में लगा रहे। आशीष जी से बहुत दिनों से प्रणाम हुई, कभी मौका लगे तो उनको भी लेकर आए और प्रणाम करें। प्रणाम जी वो गए हुए थे और कल सुबह ही अभी वापस आए हैं, तो जरूर आशीष कल से मैं उनको बोलूंगी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम जी। हाँ जी राजबाला आंटी, हाँ जी क्विक में करेंगे ताकि फिर जैसा रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी निःशब्द हूँ, वैसे प्रणाम करने के लिए मैंने खोला कि मैं थोड़ा सा सुंदर साथ के चरणों में झुक जाऊं। कितना बढ़िया अवर्णनीय निःशब्द हूँ, कितना वर्णन आप कर रहे हैं राज जी की कृपा से कहा नहीं जा सकता। जो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है उसको निर्धारित कर रहे हैं, हमारा मूल लक्ष्य जो है अपने धनी को प्राप्त करना है। इसी बीच में कहते हैं कपिल जी अपने सांख्य ग्रंथ में कह रहे थे तीनों प्रकार के दुख दैहिक देवी को भौतिक उनके चरणों में आकर के अक्षम्य हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जब हम धनी का वर्णन करते हैं तो हमारी गलतियां क्षम्य हो जाती हैं, क्योंकि हम उस रंग में उस रस में सरोवर हो जाते हैं, भीग जाते हैं, डूब जाते हैं डीपली। ऐसे पता नहीं मैंने बंद कर रखा था लेकिन मेरा जो है एक एक श्वास आपके सुंदर साथ के आपके सबके चरणों में था, मैं वर्णन नहीं कर सकती। सोनिया जी आपको धन्यवाद तो जरूर ही दूंगी कि सुंदर साथ सोए हुए सुंदर साथ को जो आवाज लगा रहे हो, जो सुर फूंक रहे हो, वो नर से जो होता है वो जिसमें बोलते हैं कि असराफिल जो है धुंध भी लिए बैठा हुआ है, वो उसमें शब्द फूकना चाहता है कि कब धनी का प्रेम हम सब सुंदर साथ के दिल में आए और कब मैं जो है नरसिंहा से वो शब्द फूक दूं कि अब भले जाग जाएं आत्म जागृति कर ले धनी के चरणों में। सब ये सब अवसर आ गया है श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। और प्रणाम जी। राजबाला आंटी आप ऐसे प्रेम और आशीर्वाद देने आते रहा करें, आपके प्रेम भीने ये जो शब्द होते हैं ना कि हम सब सुनते रहें। बीतककार सुंदर साथ इतना ज्ञान सुंदर साथ जी को फिर भी कहते हैं कि आप अच्छा बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं आपके अंदर राज जी ने क्या समा दिया हुआ है। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटान को प्रणाम जी। और मेरे को कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी, इस उसमें ना इस ये आड़ा सा दिया हुआ है राज जी ने बस, तो इस आड़े में ना फंसिएगा आप बिल्कुल भी। मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो जो राज जी कहलवाते हैं या कहते हैं मुझे नहीं पता, उस उन पे जाइएगा। सामने वाले पर्दे पहले ही बड़े डाले हुए हैं राज जी ने, ये वाला पर्दा आप जो भी है इसको नहीं लेना बीच में बिल्कुल भी। हाँ जी अनिल भाई आप कहाँ पे थे? प्रणाम जी अनिल भाई आप बहुत प्यारे सुंदर साथ थे या आपके मित्र थे वो भी वीडियो देख रहे थे बैठ के। प्रणाम जी प्रणाम जी दीदी आज चेकअप था तो डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर देख रहे थे वो सुन रहे थे। ये देखिए सुंदर साथ जी ये जागनी के अपने ही तरीके राज जी ने निकाले हुए हैं, डॉक्टर्स भी मैंने देखा बड़ी तल्लीनता से बड़ी तन्मयता से देख रहे हैं, तो सुंदर साथ होंगे तो ये सेवा कर रहे हैं जहां भी जाते हैं स्वामी जी के पास आ गए हैं। अरे वाह डॉक्टर भी स्वामी जी के पास आ गए हैं, सोचिए जहां जाइए वहां वो शब्द जरूर अपना फर्ज जरूर निभाइए सुंदर साथ जी। पता नहीं और... हाँ जी भैया जी प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी आप कुछ बता रहे थे भैया और बस वो डॉक्टर है वो स्वामी जी के जो उनका हॉस्पिटल का उद्घाटन था तो स्वामी जी को लेकर गए थे और स्वामी जी ने किया था।
अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही मैसेज जरूर देते रहना है सुंदर साहब जी, आगे धनी की जो रूह होगी वो अपने आप ले आएंगे। बिल्कुल प्रणाम जी, भी किया है जी। प्रणाम जी, अनिल भाई। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपसे वेट कर रही थी। हाजी जयकारा बोलिए आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सुंदर सात की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम।